स्क्रीन बहुत बड़ा है सबसे पहली बात, और इतने लोग आ पाते हैं एक साथ में, ये मैंने मतलब माई चाची अम्मा दादा काका नाना ये सब देखा नहीं साथ में बहुत टाइम से स्क्रीन पे, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। फिल्मों में आपका फाइट सीन भी इंटरवल तक देखा, बहुत अच्छा था, कितना खास तैयारी किया था आपने? फाइट सीक्वेंस? हाँ, फाइट सीक्वेंस का क्या क्या खास तैयारी किया था, इतना जबरदस्त फाइटिंग किया है आपने? नहीं कोई तैयारी खास की नहीं थी, मतलब कोई खास ऐसा टाइकोंडो तो कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं पिक्चर में, तो नॉर्मली एक कोई कैरेक्टर को जितना करना होता है मतलब ऐसी सिचुएशन में गिर के वही किया मैंने, तो उसके लिए जो जो मेरे को करवा रहे थे सिखा रहे थे मैं बस सीखते चला गया करते चला गया, कुछ खास नहीं। फिल्मों के शूटिंग कहाँ कहाँ की है? ये फिल्मों की शूटिंग ये प्रॉपरली छत्तीसगढ़ में हुई है, रायपुर में किया हमने, धमतरी में इसको शूट किया है, और हाँ ये दो जगहों पर इसको शूट किया है। बाकी स्टार कास्ट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आपके साथ और कौन कौन है स्टार, सब उनका परिचय करवाएं। जी यहाँ पे अनिकृति चौहान जी हैं जो लीड कर रहे हैं प्ले, उसके बाद रवि साहू है जो उसके भाई प्ले कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ में पुष्पेंद्र जी हैं जो कर रहे हैं, और उसके बाद ओझा जी हैं हमारे जो मेरे डैड प्ले कर रहे हैं, ये सारे मुख्य कलाकार हैं। आप जी सौदागर, आपने के पिछले सौदागर क्या आप देख के कुछ प्रेरित हुए या आपकी कहानी बिल्कुल नहीं? एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा इसका टाइटल था ही हसजन पगली फंस जावे भोजपुरी वर्जन में जो उसे कहा जाएगा, किसी कारण उसको मिला वो मिला नहीं टाइटल उनको, तो मुझे लगता है फिर सौदागर हमारे जो मेन टीम हेड्स हैं उन्होंने डिसाइड किया था, और ये टाइटल मे भी लोगों के अच्छा लग रहा है लोगों को, पर मुझे बहुत दिनों बाद पता चला, तो मैंने कहीं भी कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की वो सौदागर ये सौदागर ऐसा कुछ। गोलू भाई को इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए, उस समय जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा था और आज के जैसे आज आज आपकी फिल्म रिलीज हुई है, कितना बदलाव महसूस हुआ है इंडस्ट्री में? एक्चुअली मतलब मैं खुद भी बहुत अवेयर रहा हूँ इंडस्ट्री से, मैं बहुत रहा नहीं रहा हूँ, रहकर भी नहीं रहा हूँ ऐसा, तो मैं बहुत ही मैंने देखा नहीं कितना इंडस्ट्री बदला है, आउटर लेवल पर मैंने बहुत कुछ देखा है जो बदल रहा है इंडस्ट्री में, मूवीज़ अलग बन रही हैं और लोग कोशिश अलग तरीके की कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि यार बदलाव तो मतलब ज़रूरी है आपको मतलब जीने के लिए ना, और दैट्स व्हाट कि बदलाव चलते रहेगा, और हमारा मोस्टली काम ये है कि हम लगातार सीखते रहें और उसके बीच में कुछ ना कुछ करते रहें। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगरों का ही बोलबाला है, गोलू भाई कामयाब हो गए या अपनी कामयाबी कुछ और चाहते हैं इंडस्ट्री में? सिंगरों का बोलबाला है जी, टॉप के चार पांच जो स्टार है सब सिंगर प्लस आर्टिस्ट है, गोलू ऐसा कलाकार है जो केवल आर्टिस्ट है, वो जो मुकाम चाहिए वो हासिल हो जाएगा गोलू को? यार नहीं मतलब मैं भी गाता हूँ यार, मैं भी गाता हूँ कंपोज करता हूँ और लिखता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगरों का बोलबाला है, हर कोई गा रहा है बजा रहा है नाच रहा है एंटरटेन कर रहा है एंटरटेनर है, तो ऐसे कुछ कोई टैगलाइन देना कोई कोई बस बड़ी बात है। कोई गाना रिलीज हुआ आपका सिंगर सिंगर मेरी? हाँ इस फिल्म में शायद मैंने एक गाना गाया है राम जी, और एक आध पिछले मैंने गाना गाया है। दो हफ्ता दर्शकों को सुनाएंगे, कुछ गा के सुनाएंगे दर्शकों को? हाँ ये तो बिल्कुल, इसी पिक्चर में कुछ गाया जी जो आपको याद हो। तो गाना गाइए इस पिक्चर में राम जी ने कुछ स्टार्ट किया है। चले कोई बात नहीं है गोलू भाई, ऐसा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी टॉप के स्टार है सिंगर प्लस एक्टर है, और आप क्या आप भी वही राह पे चलना याद आ गया आपकी बात भी थोड़ा जी जी सॉरी कोई बात नहीं। दिखले बन जब से फोटो अखियां के सोझा झलके दिखले बन जब से फोटो कोई बात नहीं गोलू जी। हाँ? बाकी स्टार जो है वो सिंगर प्लस एक्टर है, क्या गोलू भाई भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं? नहीं वही तो कह रहा हूँ, मैं गा भी रहा हूँ थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कंपोज करता हूँ लिखता हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी राह पे हूँ या वो किसी राह पे है, मतलब सिंपल है वो अपना काम कर रहे हैं मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो आर्टिस्ट है एंटरटेनर है मैं एंटरटेनर हूँ,
मेरे मुंह में ना बहुत ज़्यादा अंतर है ना सेम हम लोग मतलब नहीं, वो तो एल्बम की दुनिया से आते हैं इंडस्ट्री में, और आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में डायरेक्ट कदम रखा है आपने। ये क्या दुनिया क्या है मेरे को समझ में नहीं आया मतलब कभी कि वो एल्बम की दुनिया से आते हैं, वो अलग ही ग्रह है कोई, ऐसा तो कुछ है नहीं। नॉर्मल एक बात है कि वो एल्बम्स कर रहे हैं, एल्बम एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है, वो कर रहे हैं। मैं एज अ एक मूवी में आ गया, वो भी पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है। शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा किस्सा है जो दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ यार, रवि साहू भाई हमारे एक इसमें बहुत ही अच्छा किरदार उन्होंने किया है हीरोइन के बहन का, उन्होंने काफ़ी बिल्ड किया है अपने शरीर को। उनके साथ में जिम करते रहता था हमेशा लगातार, क्योंकि तो बहुत टाइम से छूट गया जिम। तो ये है कि यार उनको जब मैंने देखा कि एक फाइट सीक्वेंस के दौरान उनका मतलब नी कहीं से फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने उनको देखा कि वो उसको झेल नहीं पाए, उनके उनका आंसू निकल आया था। मैं बहुत हो गया था उस दिन, मतलब यार ये क्या हमको इतना आटा घंटे जो करना पड़ता है और बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो ऐसा मेरे को लगा कि यार ये सही नहीं है प्रॉपरली, हमको यहाँ पे ये फ्लो रखना चाहिए था, वो भी नहीं हमारे पास, लगातार एक ही शॉट हम लोग क्यों दे रहे। लेकिन उसका इम्पैक्ट तो दिख के आता है कि आपने क्या मेहनत किया है। ये कि अगर आपको इक्विप किया जाए अच्छे से तो आप और अच्छा कर सकते हो। आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी है? आने वाली यार मेरे को नहीं लगता अभी फिलहाल कुछ मतलब कुछ डिसाइड हुआ है डेट अभी फिलहाल, एकाध रिलीज पैट की पड़ी है, जल्दी आ जाएगी। आपने अपने करियर की शुरुआत दिनेश जी के साथ कर रहे हैं, दिनेश जी अभी यूपी में है और चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ से, गोलू भाई की उपस्थिति नहीं है वहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं उनका भतीजा हूँ सबसे पहली बात, वो चाचा है मेरे, और वो दुनियादारी भी समझते हैं, मैं नहीं समझता हूँ। मेरे को पॉलिटिक्स से मतलब बिल्कुल दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मेरा सबसे ख़राब अगर कोई सब्जेक्ट था तो वो हिस्ट्री था और सिविक्स था, और बहुत अच्छा भी लगता था मेरे को, लेकिन उनको समझना भी नहीं था कभी उसको उस तरीके से, पता नहीं हमेशा भटक जाता था। तो मैं ये है कि मैं कुछ खास वास्ता नहीं, बट आई नो इज डूइंग अ लॉट फॉर द लाइक यू नो कंट्री एंड यू नो स्टेट, और वो हमेशा से करते आए, वो ऐसे रहे हैं, वो हमेशा से लोगों की उन्होंने जी जान पसीना हमेशा एक समझा उन्होंने। क्या शुभकामना देना चाहेंगे अपने चाचा को? मैं तो उनको कभी भी फ़ोन कर देता हूँ, उनका पाँव पढ़ लेता हूँ, मेरे को खुश रहना बेटा कर देते हैं, अच्छे से बात हो जाती है। वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उनकी जीत पक्की करने के लिए क्या शुभकामना देना चाहिए? देखिए कि उन्होंने हमेशा से ये किया है, वो कहीं खड़े हो या ना हो, या कुछ टैग आए या नहीं आए, शुभकामनाएं दे रहे हैं ना देने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो तो ऐसे है ही, और मेरे बोलने ना बोलने से वो जीतेंगे या हारेंगे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं उनके लिए काम आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे हैं, गॉड ब्लेस हिम फॉर दैट, कि वो जो भी कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, और जब से एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, यू नो लाइक हमेशा मैं उसको मतलब सराहता हूँ। चुनाव प्रचार में आधी भोजपुरी इंडस्ट्री पहुँच गई, क्या गोलू बाबू जा रहे हैं उसमें? मैंने कहा सर आपको मतलब मैं पॉलिटिकली इतना मतलब इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मेरा जाके कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। नहीं, सपोर्ट के लिए तो बाकी स्टार जा रहे हैं, क्या गोलू बाबू चुनाव तो सपोर्ट ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ लगातार सपोर्ट है मेरा, मैं उनसे बात करता हूँ फ़ोन पे और मैसेजेस के थ्रू, और तो सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रांसपेरेंट हूँ नहीं मैं लोगों के सामने, तो मेरा वहाँ होकर ऐसे होना बड़ी बात नहीं है। एक लास्ट सवाल, आपकी फिल्म तीन स्टेट में रिलीज हुई है, क्या रिस्पांस मिला है बाकी जगह? आपकी फिल्म तीन स्टेट में रिलीज हुई है, क्या रिस्पांस मिला है दर्शकों का, कुछ बताएंगे? दर्शकों का रिस्पांस जो है वो अच्छा ही मिल रहा है मेरे को यहाँ का, जहाँ तक अभी तक पता है। चलिए धन्यवाद सर।